ओके वीकेंड बना लिया अच्छे से। एक सेकेंड एक सेकेंड। हो गई छुट्टी एकदम रिफ्रेश। गई हाँ बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब से छुट्टी नहीं लेनी है फिर। यस सर। उसी बात पे मेरे को याद आया कि संडे को राखी है, तो मैं छुट्टी तो नहीं लेना चाहता हूँ, तो आई विल कीप द क्लास इन द मॉर्निंग। ठीक दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। है, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, या तो 10 से 12 सर या सर, 9 से 11। हाँ नो प्रॉब्लम सर। ठीक है ओके। सो हाँ, वन मोर थिंग, मानसी से मेरी कोई बात नहीं हो रही है, क्या हुआ तेरी कोई उससे सर बात मैं हुई? रेगुलरली बात नहीं करता सर, बस उसका बस केवल ट्यूशन के लिए कॉल आया था, मैंने बता दिया उसके। वैसे मैं संडे को भी, रेगुलरली बात नहीं करता। संडे को भी वो नहीं आई थी क्लास में। चल ठीक है, डजंट मैटर। सर वो फिजिक्स के डेमो में भी नहीं आई थी। क्या? फिजिक्स के डेमो में भी नहीं आई थी सर। हाँ, कल फिजिक्स की क्लास में भी नहीं आई थी। हाँ सो क्लास कैसी लगी थी को फिजिक्स की अत्रे सर के सर, साथ? इट वॉज गुड, बट मैंने सर को थोड़ा बीच में स्टॉप करने के लिए बोल दिया सर, बिकॉज अभी मैं बोल मेरा बहुत ज्यादा। क्या 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 तूने सर को बीच में स्टॉप करने के लिए बोला? हाँ मतलब 2 आवर्स की क्लास होती है, तो मैंने 1 आवर पे सर को मैंने बोल बता दिया था। हाँ अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, डेमो क्लासेस ही हैं अभी तो, है सर, सर ना? आज भी मेरे को बहुत ज्यादा आज भी आई कोल्ड हो रहा है सर, बहुत कोल्ड हो रहा है मेरे को, एम कोल्ड नॉट कॉफ एबल सर। टू हियर यू प्रॉपरली, क्या बोल सर रहा है आई तू? एम नॉट वेल सर, एक्चुअली मेरा बहुत मतलब गला खराब हो रहा है एंड कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ओके, प्रॉब्लम होती तो मुझे बतानी है, ठीक है? हाँ, अननेसेसरीली स्ट्रेन नहीं लेना है। ओके सो देन वी विल स्टार्ट द क्लास। तो जल्दी से रिकैप करते हैं व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और लिमिट्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास वर, पहले डबल एंगल फॉर्मूलाज थे, ठीक है? साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा कैन बी रिटन एज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद था टैन टू थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस टैन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ग्रेट, ठीक है? देन आफ्टर दिस वी लुक्ड एट सम मोर फॉर्म आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन वॉज दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वेन वी आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तब था वेन वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। इफ यू आर डूइंग कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड और इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, आफ्टर दिस ट्रिपल एंगल फॉर्मूले किए थे। सो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या? सर साइन थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा। ये तो डेरिवेशन बता रहा है तू, फॉर्मूला हाँ क्या था? मतलब वैसे सॉरी सर, फॉर्मूला साइन 3 थीटा वॉज 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। एक मिनट, यहाँ पे भी मेरे को अब हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम भी ये हुआ था, दैट्स व्हाई। एक बार जल्दी से उसको डिराइव कर लेते हैं, बिकॉज डेरिवेशन
helps in these kind of situations only. Sine theta, 3 theta ko theta plus 2 theta likha tha. Then we applied the compound angle formula here. Sine theta into cos 2 theta plus cos theta into sine 2 theta. यहां से पता चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा इनटू साइन 2 थीटा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 2 साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा ओके सो द फॉर्मूला विल बी यहां से समझ में आ गया दिस विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये होने वाला है सो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हां इनवर्स ऐसे ध्यान मत रख हां 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा करेक्ट सही है ठीक है ये अपन ने फॉर्मूले किए थे Fine. These were the formulas. Yes. We did in trigonometry. After that, limits start kiya tha. So now limits. So first thing that we did in limits was definitions. A few definitions. Jisme tha neighborhood of a point of a number A. So neighborhood of A is defined to be X belongs. If we say x belongs to the neighborhood of A, it means x belongs to the interval A minus epsilon to A plus epsilon. Okay? Epsilon is a number, positive number that we take to which can be very big or which can be very small. Okay? It can or it can be anything in between as well, not just big or small. Okay? Uski koi definite value nahi hai. It can be anything. So इस इंटरवल को अपन नेबरहुड ऑफ ए बोलते हैं देन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए मींस दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन बट नॉट इक्वल टू ए तो ए इंक्लूडेड नहीं है देन वी से डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए उसके बाद राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए सो ओनली द राइट साइड बट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए सो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा A plus epsilon. Then left deleted neighborhood of A. That is X belongs to A minus epsilon comma A. Correct. Ye char definitions thi. Theek hai? Then X tends to A positive. A plus. Ya fir X tends to A plus 0. Ya fir X tends to A plus. Jo apan likhte hain. Uska meaning hota hai. That x is tending towards a from the right side or x belongs to the right deleted neighborhood of a and is tending towards a yaad aa raha hai ye wale symbols and x tends to a minus agar likh rahe hain ya a minus 0 ya A minus like this, then it means that X belongs to the left deleted neighborhood of A and tending towards A. ठीक है? उसके बाद अपन ने left hand limit and right hand limit define किया था. So right hand limit means or if X tends to A plus when X tends to A plus if f of X which is the dependent variable jisko y lete hain if this tends to L1 then right hand limit is represented by limit X tends to A plus f of X which is equal to L1 iska meaning yahi hai that when x belongs to the deleted right deleted neighborhood of a
f of x tends to L1. This is the right hand limit. Right deleted neighborhood case okay. A, अरे अभी तो बोला ये इसका मतलब right hand. A plus is equal A plus means कि the value is approaching from the right hand. हाँ तो right deleted neighborhood of A तो हुआ. सर राइट वाली वैल्यूज तो वैलिड हो गई ना उस केस में. क्या बोल रहा है यार वैलिड. अरे इसका मीनिंग क्या होता है. दिस मीन्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन. हाँ तो राइट साइड में तो है. लेफ्ट वाली वैल्यूज डिलीट हो गई ना. अरे यार देख क्यों कंफ्यूजन कर रहा है. इसका मीनिंग होता है राइट. We say right deleted neighborhood of A. इसको बोलते हैं right deleted neighborhood of A. So right side ले रहे हैं, but deleted neighborhood of A. That means A is not included. So left side हटा दिया. We are taking the right side. Not we are not deleting the right side. Okay. ठीक है sir. Got it. ये तभी समझना चाहिए था जब मैं ये लिख रहा था. राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है कि राइट साइड में है. राइट साइड वाला नेबरहुड. ठीक है फिर इसको अपन राइट हैंड लिमिट लेते हैं. इसका मीनिंग ये है दैट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड. जब ऐसा हो रहा है तब फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल वन. देन when x tends towards a minus if f of x tends to l2 then left hand limit is equal to limit x tends to a minus f of x which is equal to l2. This means that when x is in the left deleted neighborhood of a, iska matlab hai ki left side mein hai a ke and tending towards a, then the function is tending towards l2. So ye uski left hand limit hogi. Aa raha hai samajh mein? Theek hai. Ab jaise ye wala case hua, ab zaruri nahi hai ki left hand limit and right hand limit will be same. Okay. So they can be different in general. So if function is something like this, ये function है, ठीक है? यहाँ पे ये break हो रहा है at point A. Of course, one of them is not included. So say यहाँ पे मैंने small circle बना दिया, क्योंकि function होने पे एक point पे दो values नहीं हो सकती हैं, सिर्फ एक ही value होगी. So one small circle on this one. अब देखते हैं when x is tending towards a from the right hand side, तो x is tending towards a from right hand side, not exactly equal to a, ठीक है? तब function की value कहाँ tend कर रही है? It is tending towards this value, which is L1. F of x is tending towards L1, ठीक है? When x is tending towards a from the left side, that is ye wala x is tending towards a minus, okay. A function ki value yahan se this is tending towards this value which is l2. So in this case l1 and l2 are different, theek hai? Aisa bhi ho sakta hai ki dono same value pe hi tend kare, that is l1 and l2 are same. जैसे से ये ऐसा हो गया फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस. ए यहाँ पे है, दिस इज एल. नाउ व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल. फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल. व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल. So in this case, both left hand limit and right hand limit are equal. That is, they are L. ये क्या हुआ?
एकदम से सरप्राइज दे दिया तूने मानसी. व्हाट हैपेंड? वन सेकेंड. आई एम नॉट एबल टू स्पॉटलाइट माई वीडियो. ये रहा. यस यस मानसी, व्हाट हैपेंड? सो एक्चुअली आई गॉट वैक्सीनेटेड एंड दो तीन दिन से बुखार चढ़ा हुआ था. दो दिन बुखार चढ़ा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है. सो मेरा फोन ही, सब लोग परेशान होते रहे और हमको कोई मतलब नहीं है. रियली सॉरी सर, बट मेरा फोन नहीं चल रहा अच्छे से. तो देखो, कॉल भी किया था उसके बाद भी तूने फोन नहीं उठाया. सर मेरा फोन ही नहीं चल रहा, तो मेरे को कोई कॉल कुछ भी कुछ नहीं हो रहा. देन आज चल गया? हां ठीक कर रहा. अभी चला है? नहीं सुबह से चला हुआ. सो यू जस्ट सॉ माय मैसेज अभी या क्या हुआ? यस सर, आई सॉ योर मैसेज एंड देन आई मैसेज्ड यू कि आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स. यस अभी देखा मैंने वो. ओके चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्वाइन तो किया क्लास. ओके हाँ, फिजिक्स की क्लास तूने मिस कर दी, पर कल की अत्रे सर ने ली थी कल इलेक्ट्रिसिटी पर क्लास, फर्स्ट क्लास. सर नेक्स्ट क्लास कब है? वो तो उनसे ही पूछ के बताना पड़ेगा. आई लेट यू नो. फोन चालू रख अपना, ठीक है? अभी तो नेसेसिटी है फोन, दो इट इज अ डेविल ऑल्सो बट इट इज अ नेसेसिटी. तो उसको साथ में रख, ठीक है? You'll get the information. Okay, so limits भी तेरा थोड़ा सा miss हो चुका है. You'll have to cover it up by looking at my videos. मतलब मैंने record करी भी हैं classes, तो I can send you. तो limits वाला part तो कम से कम देख लेना next class से पहले. Okay, so that you are able to catch up. अभी अपन ज़्यादा आगे तो नहीं गए. I'm just giving the definition of limit till now. Okay, yeah. Okay, so let's come back. So यहाँ पे we see that both limit left hand side, left hand limit and right hand limit both are equal to L. So both cases are possible. Okay, जब अपन ऐसा लिखते हैं x tends to a simply, not without any positive sign or negative sign, simply x tends to a ऐसा लिखा, इसका meaning ये है that x belongs to the deleted neighborhood of a. डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए मतलब ए के नेबरहुड में है बट ए के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है कभी भी. केशव फोकस लूज मत कर क्लास में, ठीक है? सो एक्स इज इन द नेबरहुड ऑफ ए बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, ठीक है? इन दिस केस इफ दिस इज इफ एक्स टेंड्स टू ए एंड एफ ऑफ एक्स फंक्शन टेंड्स टू एल. मानसी try to understand what is happening. Iska meaning ye hai that x tend kar raha hai a ki taraf both from right hand side and left hand side. Let me explain once. Jaise ek koi number hai yahan pe a, theek hai, on the number line. To agar x right hand side se tend karta hai towards a to apan ye wala symbol use karte hain. And if x tends towards a from the left hand side, तो अपन ये वाला symbol use करते हैं. If I'm writing x tends to a simply, this means that x is tending from both the sides towards a. When this is happening, if function, अब x के ऊपर function की value depend कर रही है, so जो function की value अगर l की तरफ tend कर रही है, ठीक है? Then we say that limit x tends to a f of x is equal to l. This is the definition of limit. इसका मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, that when x tends towards a function की value अगर l की तरफ tend कर रही है, then limit of x tends that then limit x tends to a f of x is equal to l. Got it? Now, this limit, जो limit है, that will exist only when both these limits, that is RHL and LHL, left hand limit and right hand limit, when both of these limits are finite and same, only then we say that the limit exists.
Otherwise, we say that the limit does not exist. ऐसे समझो जैसे ये एक लिमिट, ये यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट L2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट L1 आ रही है, दोनों फाइनाइट हैं, दे हैव अ फाइनाइट वैल्यू, बट सिंस दे आर नॉट इक्वल, इन दिस केस दे आर नॉट इक्वल, वी कैन नॉट से इफ दैट लिमिट एग्जिस्ट. क्योंकि ये फंक्शन L की तरफ टेंड करना चाहिए, दैट इज वन वैल्यू, यहां पे नहीं हो रहा है. सो वी डू नॉट नो इफ लिमिट एल डज एग्जिस्ट हियर इन दिस केस. बट इन द केस व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, देन दे आर टेंडिंग, दे आर फाइनाइट एंड इक्वल, दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स एल, इन दैट केस लिमिट विल एग्जिस्ट, इट विल बी इक्वल टू एल. So the cases that are possible, ab dhyan se sunna kaun se cases possible hai. Either left hand limit and right hand limit both are finite and same, in that case limit will exist. Then right hand limit and left hand limit both may be finite but not equal, in that case limit will not exist. Aisa bhi ho sakta hai ki left hand limit finite aa jaye, sorry, right hand limit finite aa jaye, left hand limit may not be finite, jaise kuch infinity aa gaya ya minus infinity aa gaya, in that case limit does not exist. Aisa bhi ho sakta hai ki right hand limit finite in maybe not finite, this may be finite, in that case again the limit will not exist. Theek hai? Yes, can you repeat the first statement? First statement was if both left hand limit and right hand limit are finite and equal, then limit exists at that point. ठीक है, only then we say that the limit exists. एक example लेता हूं, उससे समझ में आना चाहिए. So for the example, I am defining a function f of x in this way. Let this be 2. Aise maine ek function define kiya, okay? लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x बताना है, इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, और इफ इट एग्जिस्ट व्हाट इज द वैल्यू. सो ग्राफ देखते हैं पहले इस फंक्शन का, ठीक है. सो f of x इज 2 व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो 1 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है. So y की वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली ऑन 1 एंड लेस देन 1, एंड इट इज 2 फॉर ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1. लाइक दिस, ठीक है. मुझे निकालनी है लिमिट एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू 1. सो नाउ बिकॉज द ग्राफ इज having different definitions at 1, ठीक है, 1 पे definition change हो रही है, तो I have to find first left hand limit and right hand limit separately. दोनों limit मेरे को अलग से निकालनी पड़ेंगी. तो left hand limit
is equal to limit x tends to 1 minus f of x. Now x tends to 1 minus 1 के लेफ्ट साइड में है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे फंक्शन की? E minus. हाँ जो next. ये वाली, अरे ये वाली लगेगी ना, x is less than or equal to 1 में f of x is 1. So this is limit x tends to 1 minus 1. This is independent of x. X से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is equal to 1. Left hand limit is 1. Graph से भी देख सकते हो क्या हो रहा है. X is tending towards 1 from the left side. तो x की value 1 की तरफ जा रही है left side से. तो function की value कहाँ जा रही है? It is tending towards 1. That is left hand limit. Right hand limit is equal to limit x tends to 1 plus f of x. यहां पे कौन सी definition लगेगी? Again 1. You have to speak. Mansi, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है. ऊपर वाली second, 2, x, first, ऊपर वाली है ना? Because when I'm writing x is tending towards 1 plus, तो अब ये exactly 1 नहीं है. 1 के exactly equal नहीं है. It is greater than 1. So ये वाली लगेगी. That means limit x tends to 2 plus, sorry, 1 plus, f of x is 2. This is independent of x, तो इसकी value 2 ही आने वाली है. यहां से भी देख सकते हो. Right side से जब मैं, when x is tending towards 1, function is tending towards 2. So that is right hand limit. So because left hand limit and right hand limit are not same, limit x tends to 1 f of x does not exist. This limit will not exist at 1. आया समझ में? ठीक है. बट इफ आई चेंज द सिचुएशन जस्ट अ लिटिल बिट, 1 पे तो नहीं होगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट इफ आई जस्ट चेंज द सिचुएशन एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 हियर, इसको मैं 1.01 ले लेता हूं. ठीक है, 1.01 ले लिया मैंने. नाउ वी सी इफ द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. क्या लगता है क्या करना चाहिए? शुड वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली? या डायरेक्ट लिमिट लगा दें? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सो एग्जैक्टली समझ लो. नाउ द पॉइंट नंबर हैज चेंज्ड, ठीक है, 1.01 हो गया. अब क्या मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करना चाहिए जैसे पहले किया था, या फिर आई डायरेक्टली राइट द लिमिट? सर लेफ्ट हैंड लिमिट विल नॉट एक्जिस्ट राइट, बिकॉज़ वो तो इट ओनली अप्रोचेस टू 1, उसके आगे नहीं जाता. लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 1. Will not be defined. Limit will not be defined. ऐसा क्या? So because the value of x only goes till 1, उसके आगे नहीं. एक बार वापस बोल. X की value goes till 1. ये क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू 1.01 नहीं जा सकती क्या? So from right hand side it can go to 1.01, but left side तो limit. अच्छा ये क्या बात? अच्छा ये क्या, ये किसने बोला देखो भाई कि लेफ्ट साइड से 1 किधर, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? सर हम सेम केस यूज कर रहे हैं ना, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन वाला.
अरे सेम केस का क्या मतलब है, सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं. हाँ तो अरे यार x की वैल्यू ये नहीं हो सकती है क्या, x की वैल्यू 1.00000001 नहीं हो सकती है क्या, ये उसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में. राइट साइड में, ये राइट साइड में 1.01 के, 1.01 के लेफ्ट साइड में, बट 1 के राइट साइड में. अरे तो 1 के राइट साइड से क्या फर्क पड़ता है, देखो अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो इसके लेफ्ट साइड में नहीं है क्या ये वाला. सर आपका ऑडियो थोड़ा लैग कर रहा है. मानसी देरले भी हो रहा है क्या केशव, देख तेरे इंटरनेट से कुछ हो रहा है क्या दिक्कत, एक मिनट. यस सर इट्स फाइन सर. ओ यार फोकस तुम लोग बताया करो मुझे, सही नहीं होता है तो. वीडियो सही था मतलब, फोकस अभी सही नहीं है, लेट मी जस्ट. राइट अभी सही होना चाहिए. यस अब देख तेरे को कितना गलत फहमी है, तेरे को 1.01 के लेफ्ट साइड में, व्हेन आई एम राइटिंग लाइक दिस x टेंड्स टू 1.01 माइनस, दैट मींस लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है इस पे. अरे तो ये वाला नंबर नहीं हो सकता क्या x, ये भी तो इसके लेफ्ट साइड में ही है. सर हो सकता है, तो क्यों प्रॉब्लम है, देखो तेरे को क्यों लग रहा है कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता x from the left hand side. Sir, तो मतलब question तो still remains the same, right? कि x is greater than 1 and x is less than equal to 1. अभी मैं आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ. अभी पहले ये समझ तू कि left hand side से जब मैं tend कर रहा हूँ तो x की value ये हो सकती है ना? Yes sir, हो सकती है. और 1 से बड़ी है पर इससे छोटी है? इससे छोटी sir. Possible है? ठीक है? हाँ. अब उस पे आते हैं. Left hand limit और right hand limit is केस में सेम रहेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 1.01 माइनस एफ ऑफ एक्स. अब ये 1.01 माइनस का मतलब है कि x 1.01 से जस्ट छोटा है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड जस्ट छोटा हुआ. यस और नो? तो इससे जस्ट छोटा, 1 से और इसके बीच में कितने, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, 1 और 1.01 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं. सो जस्ट छोटा हुआ तो ये कितने भी नंबर्स हो सकते हैं ना, इसके जस्ट एकदम पास में लेना है अपने को. केशव तेरा मेरे को एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, आर यू इन द क्लास या वीडियो वीडियो लॉक लैग कर रहा है मेरा? सर कैन आई चेंज माय वाईफाई सर, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई कांट प्रॉपर्ली हियर यू. अभी समझ इसको ढंग से यार, 1.01 के लेफ्ट साइड में अपन डील कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बट टेंडिंग टुवर्ड्स दिस नंबर, तो 1 से बड़ा भी तो ये नंबर हो सकता है और इससे छोटा. सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1.01. सो x इज समथिंग लाइक दिस, मतलब इससे भी छोटा, वी कैन नॉट इमेजिन हाउ स्मॉल, बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसमें भी डेफिनेशन ये ही लगेगी, सॉरी आई एम सॉरी नॉट दिस वन, ये वाली डेफिनेशन लगेगी क्योंकि 1 से तो बड़ा ही है. मानसी आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो समझ में आ रहा है, बता मेरे को ताकि आई एम एबल टू एक्सप्लेन या क्लियर एनी डाउट. मानसी क्या हो रहा है ये? केशव Sir, I was changing my Wi-Fi, sir. पता नहीं, I can't hear you properly, sir. अभी सही है क्या? Sir,
सर आई जस्ट हाँ सर आई जिम में वाईफाई सर इट्स फाइन अभी भी तेरा लैग कर रहा है वीडियो थोड़ा सा सर आई चेक माय वो इंटरनेट स्पीड सर अभी तो अच्छा आ रहा है ओवर 100 हाँ अभी ठीक है ठीक इसका भी क्या हुआ लॉस्ट पावर लेट्स वेट फॉर हर तूने तेरा एआई का क्या आईए का क्या हुआ तूने देखा कोई टॉपिक सर आपके टॉपिक्स तो मैंने देख लिए थे बट अभी मतलब मैंने सर को अपना जो पहले मतलब मेरा जो पहले टॉपिक था उस पर मैंने सर को एक ड्राफ्ट भेजा था तो सर को सही लगा मेरे उसको वही कर लिया कौन सा वाला था पॉपकॉर्न वाला नहीं नहीं पॉपकॉर्न वाला तो सर ऑलरेडी एक था मतलब प्री एग्जिस्टिंग जिससे मतलब मैं थोड़ा रेफर कर रहा था मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट आईएएस आईबी का एक एग्जांपल है तो वो वन ऑफ द बेस्ट आईएएस एवर वो इट रिसीव्ड 24 ओवर 24 सो आई वाज जस्ट चेकिंग दैट इसलिए बस सिमिलर तो अभी तूने कौन सा लिया तूने कौन सा लिया अभी माय करंट टॉपिक इज ऑन जेफ्स लॉ आई टोल्ड यू अर्लियर अच्छा जो तू मेरे को बता रहा था अच्छा So the problem is I'm using more of computer science than mathematics because मैंने उसके लिए specifically एक algorithm लिखा है जो मतलब जिससे I'm going to collect the data but at the same time मतलब usually data collect करने के लिए ऐसा कोई computer software use नहीं करता but I don't know how it will come out. So who is helping you with that? Sir nobody. मैं बस मैंने बस वो पुराने आईएएस चेक करके देखा था उससे आईडिया लेकर कर रहा हूं तो हो पा रहा है या क्या लग रहा है तुझे सर राइट नाउ मेरा इंट्रोडक्शन हो गया वन पेज का एंड देन मैथमेटिकल एनालिसिस अभी मैं कर रहा हूं और प्लस मैंने वो जो एल्गोरिथम आपको बताया वो मैंने लिख लिया तो उसके लिए डेटा कलेक्शन पार्ट तो मैं कर लूंगा बट फिर उसके बाद एनालिसिस जो मेन मैथमेटिकल पार्ट है वो वाला अभी मेरा डाउटफुल है थोड़ा तूने भी टॉपिक थोड़ा डिफिकल्टी लिया है तो सारे बच्चों ने डिफिकल्ट लिया सर कोई भी इजी टॉपिक लिया सर तो मेरे को एक बार भेजना तो सही आई वांट टू सी कि क्या चीज है हां सर आई विल सेंड यू माय ड्राफ्ट एंड सर उसके मतलब मैंने एक वीडियो देखी ड्राफ्ट भी और जो तूने मतलब जहां से तूने देखा था कि ये आइडिया है हाँ, कौन सा वीडियो बता रहा था तू वीडियोस हां वो बहुत बहुत अच्छी वीडियोस लगी मेरे को तो हां वो वाले आपको भेज दूंगा ओके चल उसका तो पावर कट है मानसी का सर मीनवाइल आपने जो पहले एक्सप्लेन किया था वो आप एक बार वापस रिपीट कर सकते ये वाला हां मेरा वाईफाई प्रॉब्लम हो रहा था हां मैं ये करने ही वाला हूं वापस करने वाला हूं x tends to 1.01 minus a that means it is in the left deleted neighborhood of a neighborhood of 1.01
ठीक है, तो इससे अपने को जस्ट छोटा नंबर सोचना है कोई, इससे जस्ट छोटा नंबर कैन बी एनीथिंग लाइक 1.00000001 ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे ये वाला है, ये भी तो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, बट इट इज ग्रेटर देन वन। तो जब अपन यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली लगेगी, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन वन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी है बट स्टिल इट इज ग्रेटर देन वन, तो ये टू आने वाला है। राइट हैंड लिमिट में तो डेफिनेटली वो वाली डेफिनेशन ही लगेगी, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1.01 प्लस, तो अगेन सेम डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो टू, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, देयरफॉर वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू 1.01 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो 1 पे तो नहीं कर रही थी एग्जिस्ट, पर 1.01 पे इट विल एग्जिस्ट, क्योंकि डेफिनेशन एग्जैक्टली 1 पे चेंज हो रही है, ठीक है। So, now if I ask you, yeah, मैंने ये function दिया, f of x is equal to 1 upon x. Limit x tends to 0, f of x मुझे find करना है. Find करने के लिए, should I find the left hand limit and right hand limit separately? या नहीं? Directly लगा दें. जैसे, पिछली बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही थी 1.01 पे, तो वी कुड हैव डायरेक्टली रिटन 2। तो यहां पे आई एम आस्किंग कि यहां पे दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है क्या? सर व्हेन x टेंड्स टू 0 तो मतलब व्हेन अरे यार अभी अपन लिमिट की बातें कर रहे हैं, लिमिट समझ, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलते हैं पता है क्या तुझे? डज नॉट एग्जिस्ट कहां से आया? क्यों बोल दिया कि 1/0 आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट? हाँ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बता क्यों? क्या नॉट डिफाइंड? अरे तो वही मैं पूछ रहा हूँ, नॉट डिफाइंड क्यों होगा, उसका रीजन क्या है? 1/0 करने में नॉट डिफाइंड क्यों आ गया भाई? 1/0 इज नॉट एनीथिंग राइट? क्या सर 1/0 इज नॉट लाइक इट्स नथिंग, इट्स इनफिनिटी, मतलब इट्स इनफिनिटी, कहीं तो तू बोल रहा है कि इनफिनिटी है, कहीं पे तू बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड है। सर इनफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का कोई मतलब ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं करते अपन इन्फिनिटी क्या होता है, तो इन्फिनिटी फिर बोलते क्यों है? सीधा ही नॉट डिफाइंड बोल दो, एक ही चीज के दो दो मीनिंग क्यों बना, मतलब दो चीजों से रिप्रेजेंट क्यों करे? जब नॉट डिफाइंड है तो इन्फिनिटी क्यों लिखा है भाई, बता, इन्फिनिटी का मीनिंग ही नहीं होता क्या कुछ? फिर क्या होता है? इट्स नेवर एंडिंग। हम्म, इट्स नेवर एंडिंग, द वैल्यू इज नेवर एंडिंग, वैल्यू इज नेवर एंडिंग। जब अपन ऐसे लिखते हैं 5/0 तो क्या मैं इसको इन्फिनिटी लिख दूं? सही है, yes, यहां पे इंफिनिटी का क्या मतलब है? नेवर एंडिंग, अरे इंफिनिटी का सिंपली मतलब होता है द बिगेस्ट नंबर,
उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, बिगेस्ट नंबर इन्फिनिटी हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो डिफाइंड तो है ना, वी आर गिविंग अ डेफिनेशन, तो फिर नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये भी गलत है, ये अभी ऐसा लिखना भी गलत है सर, बट बिगेस्ट नंबर भी कोई डेफिनेशन थोड़ी ना है, बिगेस्ट कैन बी एनीथिंग, मतलब अरे कोई कुछ भी, अरे कैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, कैसी बातें कर रहा है यार सर, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग बिगर, मतलब हां तो अरे यार देयर विल ऑलवेज बी समथिंग बिगर, बट ऐसा थोड़ी है कि वो डिफाइंड ही नहीं है, वी डू नॉट नो व्हाट इट इज, बट ऐसा कुछ तो उसी कॉन्सेप्ट को तो अपन इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, क्योंकि अपन ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कोई नंबर बड़ा है जो सबसे बड़ा नंबर है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को इन्फिनिटी लिख दो, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो डिफाइंड ही नहीं है, अभी अपन बोल तो रहे हैं कि इन्फिनिटी इज द बिगेस्ट नंबर, तो ये डेफिनेशन ही तो हुई, दिस इज वेल डिफाइंड, we just don't know what that number is gonna be. अब जैसे ये लिखा अपन ने, ये भी गलत है, this is not completely correct, ठीक है, जब अपन divide करते हैं किसी चीज से उसका meaning क्या होता है, क्या मीनिंग होता है डिवाइड करने पे? सो मीनिंग मतलब हाउ शुड आई डिवाइड इट, मतलब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 विल बी 6 लाइक दैट, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, ये डिवीजन का डेफिनेशन हुआ या मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन हुआ सर? आई डोंट नो द प्रॉपर डेफिनेशन, जो तूने सबसे पहले पढ़ा हो कि डिवीजन क्या होता है, क्या होता है वो सर? I could say, can I say like three twos can fit in a six, something like that. अरे यार ये थोड़ी सही डेफिनेशन है सर, how do I define it sir? I don't know. अरे तो कैसे डिफाइन नहीं करते यार, अपन इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होगा क्या? There is a proper definition. इसका मीनिंग ये होता है कि टू को डिविजन का, डिविजन का मीनिंग बता रहा हूँ मैं तुझे, फर्स्ट क्लास वाली चीज, इट्स का मीनिंग ये होता है कि सिक्स में से अपन टू कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि जीरो आ जाए, ओके दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिवीजन, सिक्स में से अपन ने टू थ्री बार सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज द वैल्यू हियर, टेन में से टू को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि जीरो आ जाए तो दैट इज फाइव, ऐसे डिवीजन का, डिवीजन का मीनिंग होता है ये, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन, दैट मींस 2 + 2 + 2 कर रहे हैं अपन, जस्ट लाइक दैट डिवीजन इज द ऑपोजिट प्रोसेस, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अब किसी चीज को मैंने जीरो से डिवाइड किया, दैट मींस कितनी बार मैं सब्ट्रैक्ट करूं जीरो की वो जीरो बन जाए, बता इसमें से जीरो में कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि जीरो आ जाए, नहीं कर सकते, कितना ही कितनी बार ही कर लो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट अगर मैंने 5/0 को इनफिनिटी लिख दिया तो ये मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी कि 5/0 इज इनफिनिटी, ऐसे तो फिर 10/0 इज ऑल्सो इनफिनिटी, तो ये भी इनफिनिटी है, ये भी इनफिनिटी है, दैट मीन्स 5/0 इज इक्वल टू 10/0 लिख दूं मैं, ऐसा लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, this is not correct, इसकी correct definition is that limit, यहाँ पे zero की जगह x लिखते हैं, x tends to zero when x, जो denominator में जो value x है, when x will tend towards zero, मतलब denominator को मैं छोटा 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 एकदम छोटा करता जा रहा हूँ, zero plus होगा ये, zero plus, इन दैट केस एक्सिस ये वाली जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, इसका मीनिंग समझ, एक कोई बहुत छोटा नंबर है नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है, देयर कैन बी सम वैल्यू व्हिच विल ऑन लाइक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वी विल गेट जीरो, तो ऐसा पॉसिबल होगा, तब उसको अपन इन्फिनिटी बोलेंगे,
But since that smallest value does not, we do not know that smallest value, we do not know this number, and that is infinity. क्योंकि तू कितना स्मॉल नंबर ले ले, ऐसा थोड़ी कोई कि तू जीरो के पास में कोई नंबर बोलता बता सकता है कि ये सबसे छोटा नंबर है, नियर टू जीरो. इट कैन बी गो स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो वैसे ये भी बिगर एंड बिगर जा सकता है. तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी. ठीक है, अब जैसे इसकी डेफिनेशन हुई, व्हेन एक्स टेंड्स टुवर्ड जीरो प्लस, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा. व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस होगा, एंड फाइव अपॉन एक्स ले लिया मैंने सपोज, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज नाउ दिस इज नेगेटिव बट स्टिल वेरी लार्ज. ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी आ रहा है. दैट्स वाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फाइव अपॉन जीरो, या कोई सा भी न्यूमरेटर में कुछ भी हो, ए ले लेते हैं, इट विल बी नॉट डिफाइंड. क्योंकि इसका मतलब ये है कि राइट साइड से भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो दोनों डिफरेंट आ रही है, दैट्स वाई दिस इज नॉट डिफाइंड. इसलिए अपन ए अपॉन जीरो, ये एक्स होगा, सॉरी, जब भी कोई नंबर लेते हैं टू विद द डिनोमिनेटर जीरो, वी से दैट इट इज नॉट डिफाइंड. वो लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है. समझ में आया क्या? ठीक है, दैट्स वाई वी से दैट इट इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि एक तरफ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो कोई अपने पास लिमिट की वैल्यू नहीं है, तो एग्जैक्टली जीरो होगा, तो वी डू नॉट नो व्हाट दैट विल बी. नाउ अब यहां पे जैसे वन अपॉन एक्स हो गया, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग से कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि जब पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, तब ये वन अपॉन जीरो मतलब वन अपॉन जीरो प्लस होगा, सो दैट विल बी पॉजिटिव. निकालते हैं जैसे, एफ ऑफ एक्स के वन अपॉन एक्स लिख देता हूं. अब यहां पे डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम द राइट साइड, पॉजिटिव है, तो दिस कंप्लीट दिस विल टेंड टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो माइनस वन अपॉन एक्स, ये कहां पे जाएगा, किस तरफ टेंड करेगा? हाँ सही है, नेगेटिव इन्फिनिटी. नेगेटिव इन्फिनिटी तो होगा, अरे ये नेगेटिव है और बहुत स्मॉल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बी नेगेटिव विद अ वेरी लार्ज वैल्यू. तो राइट हैंड लिमिट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नेगेटिव इन्फिनिटी, सो दिस इज नॉट डिफाइंड. लेफ्ट देयरफॉर लिमिट x tends to 0, 1 upon x is not defined, because neither are they finite nor are they equal. Or not defined ki jagah I should write not, does not exist. It does not exist. Samajh mein aaya kya? ओके, सो दिस इज अबाउट लिमिट्स. डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स अभी अपन ने कवर करी है. इफ यू आर क्लियर अबाउट डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, तब मैं आगे प्रोसीड करूं. समझ में आ गया क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट अ पॉइंट क्या होता है, कैसे अपन फाइंड करते हैं, मतलब फाइंड करने के मेथड्स अभी करेंगे. कैसे अपन बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ओनली व्हेन दे आर फाइनाइट एंड इक्वल विल द लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है.
उसके बाद ओके सो नाउ वन मोर कंफ्यूजन दैट स्टूडेंट्स वन मोर कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज विद इज द लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. लिमिट एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दोनों डिफरेंट चीजें हैं. एट अ पॉइंट सो सपोज ये वाला फंक्शन लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. याद है फंक्शन greatest integer of x, greatest integer on the left side or equal to the value to the number. ठीक है, this function अगर मैं इसकी limit निकालूं x tends to 3, at 3, limit at 3, this will not exist. ऐसे देख ग्राफ बनाता हूं फंक्शन का. यू शुड बी एबल टू रिकॉल दिस स्टेप वाइज फंक्शन बताया था मैंने. वन दिस इज टू दिस इज थ्री. ओके, थ्री पे द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ नंबर जस्ट बिगर देन थ्री, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ नंबर जस्ट बिगर देन थ्री इज थ्री. तो अगर मैं राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू थ्री, फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स थ्री. बट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो थ्री से जस्ट छोटा नंबर, इट विल टेंड टुवर्ड्स टू, द फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू. So left hand limit is 2, right hand limit is 3. That means limit at 3 will not exist. But value of the function at 3 is simply f of 3, which is equal to greatest integer of 3, which is 3. So value of the function is 3, but limit is not existing here. Both things are very different from each other. ठीक है, से एक और एग्जाम्पल, एक और फंक्शन लिया मैंने. आई एम डिफाइनिंग इट एज एक्स स्क्वेर माइनस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वेर एंड इट इज टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन. ये फंक्शन लिया. ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक. अब बिकॉज आई एम डिफाइनिंग इट लाइक दिस, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट दिस वन, इट इज एक्चुअली टू. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन इज टू. तो 1,2 इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ, बट यहां पे एक स्मॉल सर्कल बनेगा क्योंकि यहां पे जो 1 की वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है. 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 1,0. ठीक है, 1,2 इज इंक्लूडेड इन द ग्राफ. अब अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं एट 1, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट I'm tending towards 1, तो function की value left side से 1 की तरफ tend कर रही है, 0 की तरफ, I'm sorry. X is tending towards 1, but function is tending towards 0. So left hand limit will be 0. Right side से भी जाऊं तो x tends to 1 plus
फंक्शन टेंड्स टू जीरो अगेन, तो लिमिट एग्जिस्ट्स क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो लिमिट एट वन इज जीरो, आया समझ में? बट फंक्शन की वैल्यू क्या है एट वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन. सो लिमिट तो जीरो आ रही है बट फंक्शन की वैल्यू टू आ गई, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में. ओके नाउ सिमिलरली, अब अगर मैं इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर दूं और मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, सिर्फ फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा मैंने, इन दिस केस लिमिट विल बी जीरो, ठीक है, एंड फंक्शन की वैल्यू विल आल्सो बी जीरो, तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी इस केस में, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. सो लिमिट कैन बी फाइनाइट और डज मे नॉट एग्जिस्ट, इट मे एग्जिस्ट मे नॉट एग्जिस्ट. लिमिट तो विल अप्रोच वन, क्या सर लिमिट टेंड्स टू वन होगा ना? लिमिट टेंड्स टू वन थोड़ी होगा, अभी तो बताया मैंने y की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी ना. नहीं सर, मैं x की वैल्यू बोल रहा हूं, x की वैल्यू विल अप्रोच टू वन एंड y की वैल्यू विल अप्रोच टू जीरो. अरे तो वन पे निकालेंगे तो x तो वन की तरफ ही टेंड करेगा ना. तो लिमिट अगर वन पे निकाल रहे हैं उसका मतलब यही तो है कि x टेंडिंग टूवर्ड्स वन. अरे वन पे लिमिट टचिंग द एक्स एक्सिस तो वो y इज इक्वल टू 0 हो गया. अरे लिमिट जब अपन निकाल रहे हैं उसका मतलब यही तो है दैट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स वन, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है? फिर सर आपने बोला ना कि x विल बी 0 एंड y विल आल्सो बी 0. मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने बोला लिमिट विल बी जीरो एंड वैल्यू विल आल्सो बी जीरो, गलत मत सुनने से. लिमिट दैट इज दिस, दिस विल आल्सो बी जीरो एंड एफ ऑफ वन विल आल्सो बी जीरो, दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज लिमिट ऑफ द फंक्शन. ऐसे ब्लंडर्स मत कर, गलत कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेगा. आगे क्या समझ में? कंटिन्यू कर पाएगा क्या क्लास थोड़ी देर और? यस सर. हाँ ठीक है. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स just a second. Okay, so indeterminate forms. Suppose I ask you ki 0 upon 0 kya cheez hai? So not defined. Not defined. क्यों नॉट डिफाइंड? तो तूने पढ़ा कि कोई ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई नंबर हो और नीचे जीरो हो, तब नॉट डिफाइंड बोलते हैं. सर रिपीटेटिव सबट्रैक्शन में भी जीरो को जितनी बार भी मतलब जीरो सबट्रैक्टेड बाय जीरो विल ऑलवेज बी जीरो, मतलब तो फिर नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? सर वैल्यू मतलब कोई अप्रोच नहीं करेगा ना, ये कहीं अप्रोच नहीं करेगा. कैसे बोल सकता है तू अप्रोच नहीं करेगा? अभी तू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को पकड़ के बैठ गया. अब ऐसे समझ कि मैंने जीरो में से जीरो को एक बार सब्ट्रैक्ट किया तब भी तो जीरो आएगा, दो बार सब्ट्रैक्ट किया तब भी जीरो आएगा, तो ये तो जीरो ही आएगा हमेशा ही. तो या तो ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, इंफिनिटी इंफिनिटी भी हो सकता है. तो अपने को वैल्यू पता थोड़ी है इसकी, बार भी हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, ठीक है. वी डू नॉट नो कि 0 अपॉन 0 एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वी डू नॉट नो दिस, ठीक है.
बट अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है जो मैंने अभी पूछा है. अभी अपन ने दोनों जीरो और जीरो ये जो है इनको एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ जीरो लेके चला है. बट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर स्टडीड ओनली फॉर लिमिट्स, ओनली व्हेन द ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट्स हियर. इसका मतलब ये है जब मैं जीरो अपॉन जीरो फॉर्म लिख रहा हूं that numerator is also tending towards zero and denominator is also tending towards zero. It is not exactly zero. Exact values ke liye nahi deal kar rahe hain. We are dealing with limits. So numerator is tending towards zero, denominator is tending towards zero. ठीक है. तो क्या अपन बता सकते हैं कि ये indeterminate form होगा या determinate form होगा? अब determinate form का मतलब क्या हुआ? जैसे ऐसे समझ, जीरो अपॉन इंफिनिटी लिया मैंने, अगेन नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. ठीक है. सो क्या इसकी वैल्यू अपन बता सकते हैं, वेदर इट विल, वेयर इट विल टेंड टुवर्ड्स? कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं कि ये किस तरफ टेंड करेगी वैल्यू? माइनस इनफिनिटी कैसे हो जाएगा? सर जीरो माइनस इनफिनिटी करते जाएंगे हम तो वैल्यू विल बी माइनस इनफिनिटी. क्या वापस बोल सर? हम मतलब रिपीटेडली अगर जीरो से इनफिनिटी मतलब सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर माइनस इनफिनिटी हो जाएगा. अभी तो फिर से उसको इनफिनिटी सोच रहा है, मतलब उसको एग्जैक्ट जीरो सोच रहा है. वही मैंने बोला है कि जीरो एग्जैक्टली नहीं सोचना है, इसको ऐसे सोचना है दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर, वेरी 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 स्मॉल नंबर एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ वेरी लार्ज नंबर. ठीक है. सो जब अपन नॉर्मल डिविजन करते हैं तब सोच उसके बारे में कि जब कोई छोटा नंबर होता है और नीचे डिनोमिनेटर में लार्ज नंबर होता है तो वैल्यू छोटी होती तो, जाती है. हाँ, तो छोटी हो जाती है तो मतलब वेरी क्लोज टू जीरो बट पॉजिटिव साइड में, मतलब 0.00001 मतलब अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन. इसका वैल्यू बता रहा है तू? हाँ सर. नहीं नहीं अभी फिर भी तूने एक डिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को. अरे जब जीरो में ले रहा हूँ यहाँ पे तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, लेफ्ट साइड का जीरो तो नेगेटिव हो जाएगा. तो जब ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव हो गया तो फिर मतलब वेरी क्लोज तो और डिवाइडेड बाय अ वेरी बिग वैल्यू. अभी सुन मेरी बात, इतना जल्दी मत कर. ये नेगेटिव वैल्यू है, ये वेरी बिग वैल्यू है, तो अगेन इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तब तो नेगेटिव साइड हो गया ना. और जब ये ऊपर न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा तब ये पॉजिटिव साइड से टेंड करेगा. तो अल्टीमेटली कैन वी से दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो? यस. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट इट विल टेंड टुवर्ड जीरो. सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ स्मॉल नंबर बाय अ वेरी लार्ज नंबर इट विल टेंड टुवर्ड जीरो. दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म. वी कैन डिटरमाइन कि हाँ ये तो जीरो की तरफ, इट विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर ओनली. आया क्या समझ में? ठीक है. जैसे मैं ये लेता हूं इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, वेयर विल दिस टेंड टू? डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? सर इंफिनिटी, ये तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा. कोई लार्ज नंबर है उसको और लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लार्ज नंबर ही आने वाला है. सो ऑफ कोर्स दिस इज इन्फिनिटी. ठीक है. इसी तरीके से अब इस पे आ जाते हैं जीरो अपॉन जीरो. सर इन्फिनिटी से मतलब बिगर नंबर भी तो डिफाइंड होता है क्या? सर मतलब आई डोंट नो मतलब एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उनको, बट इन्फिनिटी से बिगर नंबर्स भी तो डिफाइंड है मैथमेटिक्स में शायद. इन्फिनिटी से बिगर नंबर भी डिफाइंड है? तू मेरे को पूछ रहा है, बता रहा है? सर पूछ रहा हूँ. अरे इन्फिनिटी से बड़ा नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई? फिर इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ?
यार तुम क्या देख रहे थे YouTube पे ये सब? सर इंटरेस्टिंग वीडियोस थे, पता नहीं सर। इनफिनिटी से बड़ा कोई नंबर तूने बता दिया? पता नहीं था वो, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हुआ कर यूट्यूबर से या यूट्यूब से इन जनरल? ये क्या सब बोल रहे यार? अगर इन्फिनिटी से कोई नंबर बड़ा हो गया तो फिर इन्फिनिटी का क्या मीनिंग रहेगा बता? अब यहाँ पे तू बोलेगा कि ये वाली इन्फिनिटी इस वाली इन्फिनिटी से बड़ी होगी क्या? तो वो पॉसिबल है, ठीक है? दिफ टू इन्फिनिटीज मे और मे नॉट बी इक्वल, तो वो पॉसिबल है ना, क्यों नहीं हो सकती? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि दे आर ऑल सेम। जैसे अपन ने इंटीजर्स में लिखा कि इनफिनाइट इन्फिनिटी होगा इंटीजर्स में, सर उस वीडियो में मतलब ऐसा बता रहे थे कि वो जो इंटीजर्स वाली इन्फिनिटी है दैट इज मतलब स्मॉलर देन 0 टू 1 के बीच में इन्फिनिटी, मतलब फ्रैक्शंस वाली। हां तो ऐसा ये हो सकता है, ये तू सोच सकता है, ऐसा क्यों है? क्या इसका रीजन पता है तुझे? उसको अलग मीन दे रखा है, मतलब दैट इज डिफाइंड बाय समथिंग। हां तो इसका रीजन भी तो समझ। हां इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है, उसने भी कोई बहुत जोरदार दिमाग नहीं लगाया है। जब अपन इंटीजर्स की इन्फिनिटी के बारे में मतलब सोच रहे हैं तो इट जस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन। उसमें मतलब अपन सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, ऐसा होगा, वो इन्फिनिटी हो गया। बट 0-7 के बीच में जो इन्फिनिटी है उसके बारे में सोच कि उसमें 0-1 के बीच में देर आर इन्फाइनाइट नंबर्स, उन इन्फाइनाइट नंबर्स के बीच में देर आर इन्फाइनाइट नंबर्स। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो 0-1 के बीच में जो नंबर्स हैं देर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अंदर इनफाइनाइट, मतलब हर दो नंबर्स जितने भी इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर्स हो सकता है उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। दैट्स व्हाई वी से कि वो इनफिनिटी बड़ी है। बिकॉज देर आर सो मेनी इन्फिनिटीज इन्वॉल्व्ड इन 0-1। वेरियस इंटीजर्स में तो एक ही हुआ कि इंटीजर्स ही चले जा रहे हैं बस। फिर तो इसमें क्या ऐसा जोरदार चीज है? है बस सुनने में अच्छा लगता है। Some infinities are bigger than other infinities. अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को? सर कोई फर्क नहीं पड़ता बस। मतलब फैसिनेटिंग है वो, समझ में आ रहा है वो, ठीक है, दैट इज गुड, ठीक है, उससे इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। बट अभी यहाँ पे दिमाग लगा ना, ये ज्यादा फैसिनेटिंग होना चाहिए। अब कैन यू थिंक कि एक कोई स्मॉल नंबर है, ठीक है, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, वेरी स्मॉल नंबर, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर अगेन, ठीक है, ये मत सोच कि दोनों सेम नंबर है, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल नंबर। कैन वी डिटरमाइन कि ये सबसे बड़ा नंबर होगा या सबसे छोटा नंबर होगा या फिर कहीं पे जीरो होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ, क्या सोच रहे है? Yes or no? नहीं, तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, we cannot, for example, जैसे ये ले लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x स्क्वायर अपॉन x, so individually the numerator is tending towards zero क्योंकि x zero की तरफ tend कर रहा है, x square tends towards zero, denominator will also tend towards zero, ठीक है, अभी लिखते हैं, then limit x tends to zero, x upon x square ले लिया एक बार, and then limit x tends to zero, five x upon x ले लिया। अब अगर अपन देखें तो ये भी 0.0 form है, ये भी 0.0 फॉर्म है, ये भी 0.0 फॉर्म है, बिकॉज एवरीथिंग इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। नाउ सिंस दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एंड नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो अपन एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, जीरो होता तो नहीं कर पाते,
बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये एक्स बचेगा सिर्फ विच इज इक्वल टू जीरो. आ रहा है समझ में? यस सर. व्हेन यहां पे एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये वन अपॉन एक्स बचेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज इंफिनिटी क्योंकि वन अपॉन जीरो फॉर्म का हो गया. ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो तो ये वन इंफिनिटी से डिनोट कर दिया. यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो ये फाइव आ गया. तो किसी एक केस में तो जीरो आ गया, एक केस में इंफिनिटी आ गया और एक केस में फाइव आ गया. तो वी कैन नॉट गिव अ डेफिनेट आंसर कि कहाँ पे किस तरफ टेंड करेगा. That's why 0 upon 0 is an indeterminate form. Got it? Yes. ठीक है. उसी की तरह the second indeterminate form 0 into infinity. मतलब there is no order. तो अपन second ले लेते हैं 0 into infinity. This is also an indeterminate form. इसी का समझ ले, ये जीरो अपॉन जीरो लिखा है तो जीरो इंटू वन अपॉन जीरो लिख सकते हैं विच इज सेम एज जीरो इंटू इंफिनिटी. ठीक है, इसको अगर अपन ऐसे ही सोचे तो अ वेरी स्मॉल नंबर इंटू अ वेरी लार्ज नंबर विल इट बी पॉजिटिव, विल इट बी स्मॉल बिग और इन समवेयर इन बिटवीन, कैन वी से एनीथिंग? नहीं बता पाएंगे. ठीक है, इसी केस से भी समझ सकते हैं, ये वाले केस से. ठीक है, सो बिकॉज इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स विच इज जीरो इंटू इंफिनिटी का फॉर्म आ गया. ये भी जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ गया, ये भी जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ गया. अगेन वी कैन नॉट डिटरमाइन, सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म. उसके बाद सर एक मतलब एक बार बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मतलब दैट वाज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज 0 रेज़ टू पावर 0. सो मतलब इट वाज अ वीडियो बाय एडी हु, बहुत मतलब फेमस मैथमेटिक्स टीचर है, यूट्यूबर है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. सो मतलब उसने बेसिकली ये प्रूव किया था कि 0 रेज़ टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. विल बी इक्वल टू 1? हां, ये प्रूव कर दिया उसने. हां मतलब सर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मतलब ऐसी वीडियोस मैं देख रहा था. तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? 0 टू द पावर 0 जैसे अपन ने अभी ले लेते हैं 0 टू द पावर 0. नाउ 0 इज ये बेस भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है. हां, तो ये किस तरफ टेंड करेगा सर? इट मतलब मेरे को लगा अभी तो उसको छोड़ दे ना, वो छोड़ दे. ठीक है, तूने देखा होगा, पर अभी खुद का दिमाग लगा ना. सर इट विल टेंड टू 0. इट विल टेंड टू 0? हां श्योर. यस, सोच के देख ले एक बार वापस. हां मतलब बता कैसे सर? दो कॉन्सेप्ट्स है इसमें, मतलब 0 रेस्ट ओवर एनीथिंग इज आल्सो 0, बट अबे यार अभी मैंने देखो बोला कि तू एग्जैक्ट वैल्यूज लेके मत चल इसको. ठीक है, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं अपन अभी. हां मतलब बहुत स्मॉल नंबर्स. हां बहुत स्मॉल नंबर्स. इन दैट केस मतलब भाई उसने एक्सप्लेन किया था कि एज मतलब वो दोनों वैल्यूज बेस और एक्सपोनेंट जब इंक्रीज होते रहते मतलब डिक्रीज होते रहते हैं मतलब अप्रोच टू 0 तो तब द वैल्यू टेंड्स टू 1. Value will tend to 1. हाँ. So मतलब for example 0.0001 raised to power 0.00001 will be मतलब will be close to 0.99 something. अच्छा, तो उसने 1 बता दिया कि ये 10. तो तूने समझ लिया कि ये सही है, तो मैं इसको 1 लिख दूंगी अभी. ये 1 है क्या? Directly 1 नहीं लिख सकते. क्या लिख सकते हैं फिर? लिख सकते हैं
अच्छा ये सही हो जाएगा। पक्का सही है भाई? ये तो बहुत जोरदार प्रूफ कर दिया तूने। तो मैंने प्रूफ नहीं किया सर, अ वेरी स्मॉल नंबर रेज टू पावर अ वेरी स्मॉल नंबर। अब सोच के देख, कोई सा भी स्मॉल नंबर लिया, ठीक है, उसकी पावर और छोटा नंबर लिया, तो वो डिक्रीज ही तो करेगा वैल्यू में। सर सर वन सेकंड सर, मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ सर। कैलकुलेटर में जितना स्मॉल बेस होगा और उतना ही स्मॉल एक्सपोनेंशियल आप डालोगे तो द वैल्यू विल इंक्रीज, मतलब स्लाइटली एक पॉइंट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 रेज टू पावर 0.1 विल बी अ स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बट एक पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल अब बीच में 10 जीरोस है, 0.000 बहुत 1 और देन एक्सपोनेंट में भी 0.00 ऐसे 10 देन 1, तो उसके बाद द वैल्यू विल अप्रोच टू 1, मतलब 0.9999 समथिंग आ जाती है उसको। मैं कैलकुलेटर से ये भी मैंने देख रखा, मतलब रीचेक किया था मैंने एक बार वीडियो के बाद, तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे को फैसिनेटिंग लगा। कैलकुलेटर में मतलब वैल्यू विल ऑलवेज, मतलब एक पॉइंट के बाद द वैल्यू विल ऑलवेज कम टू 1। सर अभी अगर आपको मतलब प्रूफ चाहिए तो मैं एक बार वैसे। अच्छा अब मेरे को समझ में आ गया तूने क्या गलती करी होगी, बहुत जोरदार गलती करी होगी। अब जैसे तूने क्या लिया होगा, ऐसा ले लिया होगा 0.00001, ठीक है, चले अभी तो इतना ही ले लेते हैं और ज्यादा छोटे पे नहीं जाते हैं, और तूने पावर में ले लिया होगा 0.0001 या एक और जीरो लगा दे, ऐसा कुछ ले लिया होगा। हाँ। है ये सही है? ठीक है, एक बार इसकी फाइंड कर वैल्यू कितनी आ रही है। सर इसकी इसकी तो मतलब डिक्रीजिंग होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू डिक्रीज करेगी, आई एग्री, बट उसके बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 8 डेसिमल प्लेसेस है, 10 डेसिमल प्लेसेस है, इंक्रीज करते रहे, 100 डेसिमल प्लेसेस है, तो वैल्यू विल इंक्रीज एकदम से बीच से वापस इंक्रीज होना चालू हो जाती है। अच्छा ऐसा है क्या? सर एक बार मैं आपको कैलकुलेटर के साथ बताऊंगा सर, इसकी वैल्यू है 0.9931, देन 0.9 सर 3 डेसिमल प्लेसेस पर है। अभी देख तू क्या गलती कर रहा है, पता है? हाँ तूने क्या किया एक बार वापस बता ना, 0.00 सर ये एक सेकंड मैं बताता हूँ सर, 0.1 रेज़ टू पावर 0.1 द वैल्यू इज 0.794 हाँ ठीक है। आई हैव डन 0.001 एंड रेस्ट टू पावर 0.01 रेस्ट टू पावर 0.01 इज इक्वल टू व्हाट, द वैल्यू इज 0.954 इंक्रीज हो गया। अच्छा ठीक है, और देन आई मतलब आई कीप इंक्रीजिंग द डेसिमल पॉइंट्स, 0000 पे द वैल्यू इज 0.99311। अच्छा तो तूने पावर में भी सेम नंबर लिया है? हां सर पावर में। ऐसा क्यों है भाई, क्यों है भाई? देखो क्या किसी ने बताया कि ऊपर पावर में भी सेम नंबर आने वाला है? सर पावर में कुछ और। अब देखो मैं तेरा मैं मिथ बस्ट करता हूँ, रुक जा। ये 0.001 यहाँ पे ले ले 0001 और ऊपर पावर में 0.00000001 ये ले, अब देख कितना आएगा। I have taken वो exponent में मैंने लिया है 8 decimal places और base है मेरा 3 decimal places, मतलब 4 decimal places. Now the answer is 0.9999999908. अच्छा ठीक है, और अगर यहाँ पे तू ले ले
यहाँ पे 0000001 लिख। हाँ अब उसका उल्टा, मैं उसका उल्टा भी ट्राई कर रहा हूँ सर। मैंने बेस पे 10 डेसिमल प्लेसेस ले लिया एंड देन रेज टू वर्ड 0.0001 मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक, द आंसर इज 0.99747। अच्छा फिर तो 1 की तरफ 10 के बाद बता दें अपन, जितना जितना छोटा नंबर डालो उतनी बड़ी वैल्यू मिलती है, मतलब उतनी बड़ी नहीं मतलब उतनी क्लोजर टू 1। तो मैं एक बार आपको वीडियो भेज दूंगा, बहुत एक मिनट रुक जा ओह सॉरी, दिस विल टेंड टुवर्ड्स। हाँ अब ये हो रहा है, अब मेरे को समझ में आ गया। लेट मी थिंक, अब तेरा मैं कुछ सोचने दे मेरे को। टेन की पावर ओके ऐसे समझ हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे 0 की पावर 0 लिखा, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, ये 1 की तरफ तेरे को क्यों बताया, क्योंकि 1 इन 2, जैसे यहाँ पे 0.0001 तूने 10 डेसिमल प्लेसेस दे लिए, ठीक है। उसको लिख सकते हैं 10 to the power -10, ठीक है। अब इसकी पावर में आ रहा है, से अगेन मैंने लिया कुछ 20 डेसिमल प्लेसेस ले लिया, ठीक है। तो वो हो जाएगा 10 to the power, दैट इज सेम एज 1/10 to the power 20, जो भी पावर में है। ये वाला इसकी पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। इसकी पावर 1/10 to the power 20 है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। So this is equal to 10 to the power -1/10. अब ये 10 यहां से इसके साथ एक कैंसिल होगा, तो 10 to the power -19 हो गया, ठीक है। दिस इज सेम एज 1/10 to the power 1/10 to the power 19, या ऐसे यहां से समझ ले। नहीं एक मिनट, तो फिर ये तो 10^10^19 हो गया। ये सही दिया क्या मैंने?
10 to the power 20. ओके सो ये 10 to the power 20 है, ये 10 - 10 है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ 19. दिस इज 1/10 to the power अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ले लिया तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा. यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स 0. अच्छा ये 10 सही है, सही है, सही. हाँ देख क्या हो रहा है, ये यहां तक समझ में आ गया क्या? 10 to the power -1/10 to the power 20 हो गया, तो 1/10 to the power 1/10 to the power 19 है. 10 to the 1/this thing is same as something like tending towards infinity. डिनोमिनेटर बहुत लार्ज है, न्यूमरेटर बहुत स्मॉल है. So we can write that this is something like tending towards infinity. अरे हाँ या ना, नीचे denominator बहुत बड़ा हो गया. Oh, I'm sorry. This is 10 towards 0, not infinity. ठीक है, denominator is very large, numerator is small. तो 1/10 to the power 0 की तरफ हो गया, तो ये 10 to the power 0 is 1. 10 to the power 0 will tend towards 1. 1/1 आ गया, that's why you can say that this is tending towards 1. But ये सही नहीं है, बताऊं क्यों? बताऊं क्या? हाँ, अब यहाँ पे देख, this is when we are talking about something like यहाँ पे 10 decimal places था और ऊपर 10-20 decimal places था, ठीक है? Now in the case कि यहाँ पे बेस में से 1 lakh डेसिमल प्लेसेस हो गए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है? 1 lakh डेसिमल प्लेसेस हो गए, तो दैट मींस 10 to the power 1 lakh हो गया. कितना हुआ ये? हाँ 1 lakh. ओके, एंड सपोज कि न्यूमरेटर में, सॉरी पावर में it is only up till say meko isse power kam leni padegi usse, hai na, say 5 decimal places hai, theek hai, only 5 decimal places, to fir iski value ho jayegi 1/10 to the power 5. theek hai, samajh mein aa raha hai? To base is still 1 lakh decimal places but पावर इज स्टिल ओनली 5 डेसिमल प्लेसेस. तो अब इसकी वैल्यू होगी 10 to the power 1 lakh इनटू 1/10 to the power 5. ये कितना है? दिस इज ऑल्सो 10 to the power 5. दिस इज ऑल्सो 10 to the power 5. तो ये कैंसिल हो गया, सो ये 10 आ गया. ऐसे तो मैंने 10 बता दिया, देखो. So now this is not tending towards 1. क्या हुआ? सही हूं मैं भी? ठीक है क्या? पर ये 10 नहीं आएगा क्योंकि यहां पे मैं गलत हूं. Just like he is wrong there. अभी बताता हूँ क्यों. तू इतना ज़्यादा influence हो जाता है चीजों से. यहाँ पे मैं 1 lakh decimal places ले रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 5 decimal places ले रहा हूँ. होना क्या चाहिए? ये भी small quantity होनी चाहिए, ये भी small quantity होनी चाहिए. यहाँ पे तो decimal places 1 lakh हो गई और यहाँ पे 5 ही है, तो ये तो बहुत बड़ा number हो गया उससे. It is not in the same area. It is not very small. It is very large number compared to that. तो फिर गलत हो गया. और यहाँ पे जैसे अगर सेम उसमें ले लेते हैं, जैसे 10 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे, 10 डेसिमल प्लेसेस पावर में, ठीक है? बट दिस टाइम लेट्स चेंज इट. यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए बेस में और पावर में मैंने नेगेटिव ले लिया, तब इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
सो यहाँ पे मैंने लिया 0.00001 से 5 डेसिमल प्लेसेस और ऊपर लिया -0.0001. अब चेंज हो जाएगा एकदम. ठीक है. एक मिनट देखने दे. दिस इज अगेन ये 10^0 की तरफ ही टेंड कर रहा है. चल लेट मी थिंक मोर अबाउट इट. ठीक है सर, इट इज ग्रेटर देन वन. क्या ये कैसे हुआ सर? आपने जो लिखा है 0.00001 -0.0001 तो वो ग्रेटर देन वन है, मतलब 1.000115. तूने सही किया क्या कैलकुलेशन? हाँ सर, कैलकुलेशन यही है सर. हाँ तो आ सकता है ना, ग्रेटर देन वन क्यों नहीं आ सकता? चल अभी बाद में सोचेंगे. ये एकदम ऐसा ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मतलब फंस जाते हैं एकदम, और तूने मेरे को आज फंसा दिया. जब इवन दो आई डू नॉट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स. ठीक है. बट अभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म अपना खत्म नहीं हुआ, बीच में ही रुक गए यार. चल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सर. ओके बाय.